नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आपके पसंदीदा शो खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम आपको यूपी की हर तस्वीर से रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की टॉप 10 खबरों पर। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मिशन 2024 पर हुआ मंथन। 700 से ज्यादा पदाधिकारियों ने की शिरकत। सीएम योगी बोले, पहले जाति और मजहब एजेंडा था, हमने राजनीति की धारा बदली। गंगा विलास क्रूज को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा, मां गंगा के ऊपर क्रूज में परोसी जा रही शराब, शराब ना परोसने का प्रस्ताव लाए बीजेपी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा, तुलसीदास के रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए, पिछड़ों और दलितों को दी गई गाली के हिस्से को निकाला जाए। सीएम योगी ने अप्रैल मई तक नगर निकाय चुनाव कराने के दिए संकेत। मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट समय पर आएगी, हर हाल में अप्रैल मई में होगा चुनाव। भारतीय कुश्ती संघ के सभी कार्यक्रम रद्द किए गए। कुश्ती संघ की अयोध्या में होने वाली बैठक भी रद्द। अगले 4 हफ्तों तक कुश्ती संघ में नहीं होगी कोई भी मीटिंग। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलों में इजाफा। उसरी चट्टी कांड में एक और मुकदमा दर्ज। मृतक मनोज कुमार राय के पिता ने दर्ज कराया हत्या का केस। पूर्व सपा एमएलए रामेश्वर सिंह यादव की बढ़ी मुश्किलें। बेटे प्रमोद यादव की 1300 करोड़ की संपत्ति कुर्क गैंगस्टर मामले में रामेश्वर सिंह जेल में है बंद। उन्नाव में अल सुपर स्लॉटर हाउस पर आईटी रेड जारी। बीते 24 घंटे में आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे पूछताछ। बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स चोरी का आरोप। बाराबंकी में समाधान दिवस पर मुंशी ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को लगाई आग। तहसीलदार पर गाली गलौज और धमकाने का आरोप। मुंशी की पत्नी ने की कार्रवाई की मांग। नोएडा में कम नहीं हो रहे लिफ्ट में फंसने के मामले। ग्रैंड अजनारा सोसाइटी के लिफ्ट में बेटी संग फंसे। एओए अध्यक्ष, गार्ड और मेंटेनेंस कर्मचारियों ने खोली बंद लिफ्ट।